आपसे का स्वागत करता हूँ शेयर बाजार में। तो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए फिर एक स्टॉक को सिलेक्ट करके लाया हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो इसमें इंट्राडे में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं वो ट्रेड स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए लाया हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लाया हूँ। और उस ट्रेड के बारे में कुछ बता दूँ, सारेगामा ट्रेड यानी कि सारेगामा इंडस्ट्री यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री जो सिंगर्स होते हैं उस इंडस्ट्री से ये ट्रेड रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर इसके फाइनेंशियल नहीं बता के मैं डायरेक्ट आज प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में बताऊंगा, इसमें लाइव बनते हुए दिखाऊंगा और इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर आप किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। स्विंग यानी लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट करते हो वो आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल कैसे होगा वो मैं आपको फाइंड करके दूंगा। तो फ्रेंड, हमारा काम ही यही है कि फाइंड करके देना एंड टारगेट बता देना। बट मैं किस तरह से फाइंड करता हूँ वो भी पहले जान लीजिए, वो भी दिखाऊंगा, और क्या मैंने इसमें फाइंड किया वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर इस वीडियो को पूरे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलिंग वेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फॉलिंग वेट्स किस टाइप की पैटर्न है, देखेंगे जानेंगे, ठीक है, और किस ट्रेंड में इसको फाइंड करेंगे वो जानेंगे। तो ट्रेंड तीन प्रकार की होती है, एक पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा हो गया साइडवे ट्रेंड, ठीक है। तो ये सबसे ये कंटिन्यूस पैटर्न ये डाउन ट्रेंड में फाइंड किया जाता है, यानी कि जब ट्रेंड मार्केट में इस टाइप की हो, डाउन साइड इस टाइप की हो नीचे की ओर, देन इस टाइप की पैटर्न को फाइंड किया जाता है जिसको बोलते हैं फॉलिंग वेट, यानी डाउन ट्रेंड मार्केट में, वो भी डाउन ट्रेंड जब कंटिन्यू गिर होती, यानी कि कंटिन्यू गिरते चली जा रही, गिरते चली, यानी कि गिर के उठी, गिर के उठी, गिर के उठी, ये हो गया साइड वे ट्रेंड, गिर के उठने का मतलब, और ये उठने उठते 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 यानी कि इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड ये इस मार्केट में आपको फॉलिंग वेट देखने को मिलेगा लाइव, तो इस मार्केट में मिलता है। तो आइए इसको कब ब्रेकआउट होता है, किस टाइप का फॉलिंग वेट्स होता है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो फिर मैंने ये समझा दिया कि किस टाइप का होता है, तो अब मैं आपको फॉलिंग वेट्स लाइव आपको मार्केट में दिखाऊंगा। तो फॉलिंग वेट्स का जो बोले तो टेक्चर होता है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देना चाहूँ। तो आइए आपको दिखा देता हूँ फॉलिंग वेट्स का टेक्चर, उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉलिंग वेट्स का जो टेक्चर है तो वो मैं अभी जस्ट वन मिनट में आपको सामने है, आपको केवल ध्यान से देखना है कि आखिरकार होता किस टाइप की। ये देखिए, ये कंटिन्यूअस मार्केट गिर रही है, ठीक है, ये ठीक है। तो अब फिर एक बार इसको ये देखिए दोस्तों, इसको फॉलिंग वेट्स बोलते हैं, यानी कि ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, देखिए आपको ये देख के पता चल जा रहा होगा कि मार्केट यहाँ आ रही है, एक बार यहाँ आती है फिर इसको टच करती है देन फिर गिर जाती है, फिर मार्केट यहाँ आती है फिर इसको टच करती है देन गिर जाती है, फिर मार्केट ऊपर उठती है फिर इसको टच करती है नीचे आ जाती है, फिर नीचे को टच करती है ऊपर आती है, फिर ऊपर को टच करते हैं तो नीचे आ जाती है, फिर नीचे को टच करते हैं तो ऊपर आ जाती है, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेट। फॉलिंग वेट में क्या होता है ना दोस्तों, मार्केट सिमट जाता है एक वेट्स के अंदर, इस वेट्स के अंदर यानी कि इस पैटर्न के अंदर, इस टेक्चर के अंदर सीमेंट जाता है मार्केट, बड़ा से छोटा होते 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 चले जाता है। तो जब ये छोटा होते चला जाता है मार्केट एक वेट्स के अंदर ये सिमट जाता है, जिस कारण से यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है। जब ये मार्केट जब छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, तब मार्केट में एक ब्रेकआउट होता है, तो ये पैटर्न के अंदर क्रिएट होता है, इसीलिए इसको फॉलिंग वेट्स बोलते हैं। ये कंटिन्यूस पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने से ही मिलता है। ये मैं आपको सारेगामा इंडस्ट्री में वन डे टाइम फ्रेम में फाइंड किया हूँ, वन डे टाइम फ्रेम में मैं फाइंड किया हूँ, ठीक है। फिर से मैं बोल दिया क्योंकि आप लोगों को टाइम फ्रेम ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइम फ्रेम में मैं फाइंड कर रहा हूँ और कितना का ये आपको टारगेट अचीव करके दे रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको दिखा। तो आपको ये शायद समझ में आ गया कि फॉलिंग वेट्स क्या होता है। तो आइए मैं आपको गूगल करके फॉलिंग वेट्स कुछ दिखा देना चाहता हूँ। चलिए ये गूगल किया मैंने, ये देखिए जैसा कि मैंने बताया फॉलिंग वेट्स कंटिन्यूस पैटर्न ये डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको देखने को मिलती है। देखिए जैसे ये डाउन ट्रेंड लोअर हाई ये देखिए मैं आपको दिखा, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको देखने को मिलती है। देखिए डाउन ट्रेंड मार्केट देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया डाउन ट्रेंड मार्केट, ये देखिए डाउन ट्रेंड मार्केट है, डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको देखने को मिला।
तो देखिए डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको फॉलिंग वेज दिख रही है। जब मार्केट डाउन साइड को कंटिन्यू करती है ऑटोमेटिक छोटे सी वेट्स में सिमट के रह जाती है। देखिए छोटे सी वेट्स में सिमट के रह गई तब मार्केट अपने आप को एक वहाँ से एक अपर साइड को कंटिन्यू करती है। देखिए देख पा रहे ये टू ट्रेडेड फॉलिंग वेज, देखिए फॉलिंग वेज ये राइजिंग नहीं देखा, वो फॉलिंग देखना है। राइजिंग आपको अप ट्रेंड मार्केट में देखने को मिलता है, फॉलिंग वेज आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने को मिलता है। एवरी टाइम आपको फॉलिंग वेज में आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही मिलता है, यानी कि अप ट्रेंड, इसका मतलब अप ट्रेंड अब कंटिन्यू यहाँ से होने वाला है। तो मैं ये वन, जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको ये वन डे टाइम फ्रेम में फाइंड करके दिखा रहा हूँ सारेगामा इंडस्ट्री में। ये सारेगामा मैंने इंडस्ट्री आपको चॉइस किया है लॉन्ग टर्म के लिए, एक बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और एक पेनी स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक होता है यानी कि वो स्टॉक पर कोई भरोसा नहीं करते, बट डबल हो जाता है कभी कभी। तो देखिए ये देखिए एकदम करंट, एकदम करंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर इन्वेस्ट कीजिए, एकदम करंट में वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये सारेगामा इंडस्ट्री है, तो आपको देख कर ही वन डे टाइम फ्रेम में ये देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में ये देखिए, ये मार्केट अभी कंटिन्यू डाउन साइड को कंटिन्यू कर रही, देख पा रहे, ये देखिए डाउन साइड को। तो ये देखिए यहाँ से मार्केट पहले उठी, ठीक है, इसको टच की, अगेन एंड अगेन इसको फिर टच करके गिर गई, फिर इसको टच करने की कोशिश की, देन मार्केट फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड, ठीक है, फिर मार्केट इसको टच करने की कोशिश की, अब इसको ब्रेक कर दी। ये देखिए अब इसको ब्रेक कर दी मार्केट, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, देखिए ये देखिए यहाँ, ठीक है, देख पा रहे, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, यानी कि कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उस डाउन ट्रेंड में ये वेट्स आपको देखने को मिला और वेट्स को ब्रेकआउट करने को भी देखने को मिल रहा है आपको, और ये इंडस्ट्री का नाम है सारेगामा। ये इंडस्ट्री अब तो फ्रेंड ये वेट्स को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद कितना मोमेंटम आया, अब मैं उसको दिखाने के लिए आपको वन आवर टाइम फ्रेम में जाऊँ, ठीक है। देखिए पहले वन आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको फॉलिंग वेट फाइंड हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एकदम दिख रहा है साफ साफ कि ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, वन डे टाइम फ्रेम में भी एंड वन आवर टाइम फ्रेम। अब आते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, क्योंकि आस्ते आस्ते टाइम फ्रेम को छोटा करते जाएंगे। ये देखिए ठीक है, अब टोटल मार्केट को क्लियर करते हैं, ये देखिए तो अब मैं मार्केट यहाँ से आपको दिखाऊँ, देखिए वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको ब्रेकआउट, जबकि ये 10 मिनट टाइम फ्रेम में कब का ब्रेकआउट यहाँ हो चुका है, कब का, बट वन डे टाइम फ्रेम में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए वो भी देखिए एक चीज़ और होते हैं जिसको प्राइस एक्शन पैटर्न के अनुसार बोलते हैं, रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, देखिए रिट्रेसमेंट, ये देखिए वेट को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर मार्केट आकर रिट्रेस किया, देन मार्केट बूम, देन मार्केट बूम, यानी कि एक दिन में इसने अपने कैपिटल का 10% यानी कि 7% लगभग रिटर्न दी ब्रेक करने के बाद। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरह से स्केल के माध्यम से आपको माप के दिखा दूँ मेजरमेंट के अनुसार। ये देखिए अपने ब्रेक के टाइम 7.49% दिए, यानी कि ब्रेक करते इसने 8% लगभग मूवमेंट कंटिन्यू किया। अब यहाँ से इसका कंटिन्यूअस अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, बट फ्रेंड मैं एक बात बताना चाहूँ, मेरी बातों को सुनकर इसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले आप एक स्टॉक लीजिए, दो स्टॉक या 10 स्टॉक लीजिए। आप चाहते हैं मैं 100 स्टॉक में इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो आप पहले इसमें 10 स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, देखिए कि इसका मार्केट में क्या कुछ दिन के बाद इसका प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं। यदि बढ़ता है तो वो आपको विनिंग ट्रेड है, विनिंग ट्रेड में हमेशा बने रहना चाहिए, उसमें आप और पैसा डालिए। जब मार्केट उठता है आपको दिख रहा है एक सप्ते बाद कि हाँ इसका ट्रेंड अप ट्रेंड 100% परफेक्ट है और बढ़ रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले थोड़ा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कीजिएगा, या ना कि आप एक बार में पूरा, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से यहाँ कोई ऐसा मेजर इनकम नहीं देखने को मिल रहा था, बट इस जब इस वेट्स को क्रिएट होते हैं, जब यहाँ पर रिट्रेस ली मार्केट ने, तो बहुत बड़ा एक सडन अपर साइड को मोमेंटम की। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है फॉलिंग वेट्स क्या है और लॉन्ग टर्म में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, भागने वाला तो है ही नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि इसका लॉन्ग जीविटी देखिए, तो आज से 5 साल का मैं आपको दिखाना चाहूँ, लाइफ टाइम आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए
ये स्टॉक आज नहीं दोस्तों, बहुत पुराना है, सालों साल पुराना स्टॉक है, भाग नहीं सकता। 2010-11 देख सकते हैं, 7-6-3 2003 में ये स्टॉक यहाँ पर, ये देखिए 2003 में ये स्टॉक लिस्टेड हुई थी, ठीक है। देन 2020 के बाद 21 के बाद इसका स्टॉक एकदम बूम हो गया, एकदम डबल ट्रिपल हो गया मार्केट, ठीक है। अभी जैसा कि 400 चल रहा था, अब मैं सब टोटल, अब इसको बोले तो यहाँ पर अब टोटल इसको स्क्रैच करता हूँ, उसको मिटा देता हूँ, देन अब जाकर आपको इसका टारगेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहला टारगेट क्या है, सेकंड टारगेट क्या है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए टोटल, मैं आपको ये 10 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको फाइंड करूँगा। देखिए बहुत बड़ा गैप देख सकते हैं, इस वेट्स को क्रिएट होते ही इसने बहुत बड़ा बुलिश कैंडल्स ये अपने ट्रेंड बोले तो अपने स्टॉक्स को ब्रेक किया, अपने बोले तो अपने ट्रेंड को ब्रेक किया, अपने चार्ट को ब्रेक किया, अपने उस लेवल में जा रहा है अब ये, जिस लेवल में इसको जाना चाहिए था। तो सबसे पहले इसका वन डे टाइम फ्रेम मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसको 10 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा कि इसका पहला टारगेट क्या है, सेकेंड टारगेट क्या है। ये देखिए तो दोस्तों, ये मैं आपको बात और बताना चाहूँगा, 10 मिनट टाइम फ्रेम लॉन्ग दिखा रहा है, बहुत लॉन्ग, तो इसको आवरली हम लोग जाते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको जो दूंगा सटीक दूंगा, इधर उधर की कोई बातें नहीं। तो ये देखिए आवरली बहुत अच्छा आपको मिल रहा है, ग्रेट। ये देखिए इसका जो स्टॉप हो सकता है दोस्तों, ये पहले बता देना चाहूँ, ये अभी जिस लेवल में खड़ा है मार्केट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाती है, सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ जाती है, सपोर्ट को फिर नीचे से ऊपर जाती है, तो ये सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को फेस कर पाना इसके लिए बहुत कठिन है, इस रेजिस्टेंस को फेस करना शायद यहाँ से मुमकिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बुलिश कैंडल क्रिएट की है मार्केट ने, ठीक है। इस बुलिश कैंडल के कारण मार्केट में 70% चांस है कि इसको ब्रेक कर पाए, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पर इसका जो टारगेट सबसे पहला आप देखिए ये है, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद ही आपको पहला टारगेट ये मिलेगा, ये 420 का, अभी जिसका प्राइस 404 चल रहा है वो 420 का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जाकर आपको एक दूसरा टारगेट भी मिलेगा, क्योंकि ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला एरिया, देखिए यहाँ पर मार्केट आकर बहुत देर तक सीमेंट के बहुत देर तक रुकी हुई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन यहाँ फेस करने को मिला, अप एंड डाउन, जिस कारण से ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया फर्स्ट, एंड सेकेंड इसको ब्रेक कर पाती है तो मार्केट को एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए देख पा रहे यहाँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत लंबा है, ये देखिए बहुत दिनों से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को फेस कर रही है मार्केट, देख रहे हैं अगेन एंड अगेन इस रेजिस्टेंस को टच कर मार्केट नीचे आती है, जबकि आपका पहला टारगेट यहाँ से 420 का हो गया, दूसरा टारगेट हो गया 433 का। इस टारगेट क्यों बता रहा हूँ, मैं टारगेट नहीं बताता था, बट टारगेट बताने इसलिए पर है, कुछ कुछ हमारे सब्सक्राइबर है, कुछ कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स वो मेरे को टारगेट जानना चाहते, देन मैं सोचा चलो टारगेट भी बता देता हूँ। तो ये टारगेट आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं यहाँ से, देन उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मेरे को विनिंग ट्रेंड में बने रहना, तो आप बने रहिए, कोई बात नहीं। ये देखिए फिर इसका टारगेट कुछ इसके ऊपर होगा, 442 होगा, फिर इसका टारगेट यहाँ पर, ये देखिए फिर इसका टारगेट 442 है, फिर इसका टारगेट देखिए तो 456 है, क्योंकि इस लेवल में आकर मार्केट बहुत देर रिजेक्शन फेस की, इसलिए ये भी इसका टारगेट हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। देख पा रहे 450 तक ये मार्केट अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, यदि 450 को करती है तो फ्रेंड आपको एकदम यहाँ से प्राइस में एक बोले तो एकदम जोरदार बूम मिलेगा, यानी कि जोरदार रिटर्न। ये देखिए उसको 50 के बाद 25 पर फिर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, फिर 25 पे यदि ब्रेक कर पाती है तो 500 में जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये सारेगामापा बहुत दिन तक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर ली, अब इसका ये टाइम आ गया है कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ये देखिए उसके बाद ये 500 तक भी जाएगी, ये मैंने आपको आवरली चार्ट फ्रेम में मैंने आपको फाइंड करके दिखाया, तो ये आवरली चार्ट फ्रेम में ये आपको मैंने आपको दिखा दिया। तो ये दोस्तों कम नहीं है, 500 यानी कि 400 का ट्रेड, 410 का, अभी 408 का भाव चल रहा है, 100% है कि 420 से 33 पार करेगी, क्योंकि जब बुलिश कैंडल क्रिएट किए तो यूं ही नहीं क्रिएट किए, कुछ तो मार्केट में ऐसा हुआ जिससे बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ, एक फॉलिंग वेट्स क्रिएट हुआ, फॉलिंग वेट्स का ब्रेकआउट हुआ और डाउन ट्रेंड में हुआ जो होना चाहिए, जो परफेक्ट है। तो फ्रेंड इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा देन कॉमेंट कीजिएगा, कहाँ समझ में नहीं आया, और मेरे को ये बताइए कि किस टाइप का वीडियो देखना है, और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कीजिए दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि सभी चाहते हैं अपने पैसे को बढ़ाना, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में जितने भी बैंक है
उन पे यदि आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5% का रिटर्न मिलता है, बट आप इस स्टॉक्स में खींचेगा तो आपको वन डे में 5% मिल जाते हैं, यानी कि एक दिन में 5% ऊपर मिल जाता है। तो यानी कि इसका साल भर का रिटर्न कितना होगा, मैक्सिमम मैं मान लिया 50%, ओनली 15%, 15% मैंने माना, तो बैंक से तीन गुना है कि नहीं, बैंक से तीन गुना है, ये 15 नहीं दोस्तों, ये 30% से ऊपर देता है मार्केट, स्टॉक मार्केट नाम है इसका, ये कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। और जो मैं स्टॉक आपको सिलेक्शन करके दे रहा हूँ उसका मार्केट अभी मैं पूरा 100% डाउन ट्रेंड आपको दिखा दिया, फॉलिंग वेव्स का ब्रेकआउट दिखा दिया, टोटल आपको दिखाने के बाद आपको मैं कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूँ इस स्टॉक्स का प्राइस अब कुछ दिन में अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और हाई जाएगा और बहुत ही जल्दी इसका प्राइस 100 से प्लस हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुरू से शेष तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ फ्रेंड।